हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे द ग्रेट इंडियन मर्डर, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 56 मिनट के हैं। और शो को डायरेक्ट किया हिमांशु धूलिया, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। यार इनका डायरेक्शन बहुत ही अलग ही होता है, और अनुराग कश्यप का भी। खैर फेवरेट को साइड में रखते हैं और बात ऑनेस्ट करते हैं कि शो की कहानी सिंपल सी ये है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम है विक्की राय, जो कि एक नंबर का हरामी है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है, विक्की राय के नाम पर रजिस्टर्ड एक कार में दो नाबालिग लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। जो क्या शो की अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताए गए कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर को अगर आप लोग देखोगे तो उसके बारे में काफी कुछ चीजें बताएगी। तो उसके बाद वो कैरेक्टर ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कि वो कैरेक्टर कभी इस शो में था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पाउली डैम इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है, वो कैरेक्टर वैनिश। आशुतोष राणा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट वो कैरेक्टर भी ऐसा गायब होता है जैसे चाय से मक्खी निकाल के फेंक दी और सामने वालों को पता ही नहीं चला कि चाय में मक्खी गिरी हुई थी। शो की अगर मैं 9 एपिसोड्स की बात करूँ, तो काफी कुछ जगह ऐसी जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग अननेसेसरी का शो को ड्रैग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैंने शो देखा है, तो मेरे हिसाब से एक एपिसोड पूरा का पूरा इसमें गायब हो सकता था। मतलब हर एक एपिसोड की अगर ये कुछ कुछ लेंथ भी हटाते तो एक एपिसोड कम हो सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके अलावा इलॉजिकल चीजें देखने को मिली, जैसे कि जो पुलिस वाले यहाँ पर बताए ना, जो सीबीआई ऑफिसर बताए, वो मुझे काफी डम नजर आ रहे थे। मतलब वो जो एक होना चाहिए कि यार उन लोगों का दिमाग आम पब्लिक से कई गुना ज्यादा तेज चलना चाहिए। हालांकि वो लोग भी इंसान होते हैं, लेकिन सीबीआई ऑफिसर लोग जब इस तरह की केसेस इतने सारे सॉल्व करते हुए, तो उनको पता चलना चाहिए कि जब कहाँ पर क्राइम सीन हुआ तो वहां पर क्या क्या चीजें पहले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कई दिनों के बाद याद आए कि यार हमने मोबाइल फोन्स नहीं लिए। तो वो चीज मुझे काफी कुछ अजीब लगी। उसके अलावा शो की जो एंडिंग है, वो एंडिंग ऐसी कि मतलब देखने के बाद ऐसा रहता है कि भाई तुम लोग मैं उसके एंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो आप लोग शो में देख लेना। खैर अब बात करें शो की पॉजिटिविटी की, तो वो है इसको जिस तरह से एंगेजिंग बनाया। मतलब आप कंटिन्यूसली ये सोचते रहोगे कि भाई अब होगा क्या। हालांकि ये एक मर्डर मिस्ट्री पर शो है, लेकिन मर्डर जो उसका मेन प्लॉट है, उसके अलावा जो सब प्लॉट्स बताए, जैसे कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इंगेती, वो जो गॉड बताया जो अंडमान से लेके आते, वो गॉड से रिलेटेड जो कहानी थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसके अलावा मुन्ना नाम का एक चोर है, उससे रिलेटेड जो प्लॉट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे ज्यादा फनी प्लॉट तो वो है रघुवीर सिंह यादव जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेसमैन का ही रोल प्ले कर रहे हैं, बट जो जो चीजें उनके साथ होती है, और 6 एपिसोड में तो जो उन्होंने हंसाया है जम के, मतलब यार पूरी सीरीज एक तरफ और वो 6 एपिसोड एक तरफ। तो यार कैरेक्टर्स को लोगों ने ठीक ठाक से रखा, मतलब ऑडियंस को एंगेज रखता है ये शो। लेकिन अगर आप लोग शो खत्म होने के बाद सोचने बैठोगे तो भी सोचते ही रह जाओगे। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करो, सीन्स को अच्छी तरह से शूट किए, काफी कुछ चेजिंग सीक्वेंस यहाँ पर देखने मिले, जो कि आपको अनुराग कश्यप की मूवीज गैंग्स ऑफ वसेपुर की याद दिलाता है और ब्लैक फ्राइडे की याद दिलाता है। तो उस लेवल के चेजिंग सीन नहीं थे, मतलब फनी टाइप और वो मजा रोमांचक वाले चेजिंग सीन नहीं थे, मगर फिर भी अच्छे थे। और तिग्मांशु धूलिया ने उसको अपनी तरह से शूट किया, और उस चेजिंग सीन में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग्स का यूज किया, मजा आ गया। और ये लोग की खासियत है कि ये लोग पुराने सॉन्ग्स को और साउथ इंडियन सॉन्ग्स को ये लोग जब चेजिंग सीन में डालते हैं ना, तो वो अलग लेवल पे चले जाता है, और वो चीज मुझे इस शो में अच्छी लगी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई प्रतीक गांधी से जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पर नजर नहीं आती। वो पुलिस ऑफिसर कम एक बिजनेस टाइकून ज्यादा लगे। ऋचा चड्ढा ने भी अपने रोल को ठीक ठाक से निभाया, लेकिन यहाँ पर जो शॉकिंग है वो है शशांक अरोड़ा, आशुतोष राणा, जतिन गोस्वामी, मणि पियाज, शारीफ हाशमी, रघुवीर सिंह यादव, ये लोग कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन पर ये शो फोकस नहीं है। वो लोग लीड नहीं है, लेकिन वो लोग सपोर्टिंग होने के बावजूद, मतलब साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए है कि वो जो मेन लीड है, जो प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा के जो ऐब है, वो इन लोगों ने छुपा दिए। और ये होता है एक रियल एक्टर्स की निशानी। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्ट्रेस भी है जो एंड में आती है, मतलब वो शायद लगता मैं क्या बोलूँ यार, मतलब तिग्मांशु धूलिया ने उसको क्या हिसाब से डाला मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मतलब नेक्स्ट भोजपुरी पिक्चर में पक्का वो साइन हो जाएगी। उनका भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, हालांकि नाम के लिए परफॉर्मेंस है, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो आप लोग शो में समझ जाओगे। खैर एडिटिंग की बात करें, शो को एडिट अच्छी तरह से किया जा सकता था, और ओवरऑल मैं कहूँ तो भाई ये शो काफी एंटरटेनिंग शो लगा मुझे। मतलब हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाली जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी निकालने जाए तो बहुत सारी भी निकलेगी। मैं बोलता हूँ कि एंटरटेनमेंट पर्पस आपको मजा आएगा। पहले
पैरेंटल गाइडेंस इतना बोलता है कि शो में आपको कुछ बैड वर्ड सुनने को मिलेंगे और एंड में अश्लील सीन देखने को मिलेंगे और एक किसिंग सीन भी है स्टार्टिंग में, तो उस हिसाब से ये आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना, अवॉइड करो। मैं शो को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।